हाय दोस्तों, मैं गौरव। आज हम आपसे आई जीनियस एजुकेशन ERP सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। बहुत दिनों से हमारे पास रिक्वायरमेंट आ रही है कि सर, आई जीनियस एजुकेशन ERP सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, इसमें कंपनी कैसे बनती है, और बहुत सारी क्वेरीज आती रहती हैं। तो हमने सोचा कि चलिए आपको वीडियो के माध्यम से ही बताया जाए कि हमारा सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, इसको कन्फिगर कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप हमारी साइट पे जाके, नीचे दिया हुआ लिंक, उस साइट पे जाके हमारा आई जीनियस एजुकेशन ERP सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद सेटअप रन करा लीजिए। रन कराने के बाद जब आप रन करा देंगे सॉफ्टवेयर, तो आप देखेंगे कि डेस्कटॉप पे ही आई जीनियस का आइकन बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। ये दिया है आइकन, इस पर डबल क्लिक करिए। ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। देखिए, यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं: क्रिएट ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन, सेट डेटाबेस पाथ, बैकअप माय डेटा एंड चेंज सेशन। अभी हमको कंपनी क्रिएट करनी है, तो हम क्रिएट ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन पे जाएंगे और धीरे धीरे मैं आपको सारे फीचर्स के बारे में बताऊंगा कि ये सेट डेटाबेस पाथ का काम क्या है, बैकअप कैसे लिया जाता है, चेंज सेशन कैसे किया जाता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्रिएट ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन से। तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए एक पूरा विंडो ओपन हो जाएगी। बस कुछ नहीं, एक फॉर्म की तरह सिर्फ आपको भरते चले जाना है सारी चीज़ें। मान लीजिए स्कूल का नाम जो भी हो, मैं डेमो दे रहा हूँ तो मैंने एक डेमो स्कूल बना लेता हूँ। उसका एड्रेस, बस फॉर्म है, फॉर्म को भरते चले जाइए। वेबसाइट, पैन नंबर अगर फॉर्म का कुछ हो, एंड फाइनेंशियल ईयर। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया है, मेक ए सुपर यूज़र फॉर दी कंपनी। अगर वैसे हमारा सॉफ्टवेयर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दो यूज़र बनाता है, एक एडमिन बनाता है और एक जो आप सामने देख रहे हैं वन बनाता है। ये दोनों ही सुपर यूज़र होते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट दो यूज़र बनाता है सॉफ्टवेयर। हम चाहें तो हम चाहें तो इन यूज़र्स के को यूज़र प्रोफाइल चेंज करके इनको क्या कहते हैं, अलग अलग राइट्स दे सकते हैं, अलग से यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं यूज़र्स के बारे में बाद में बात करूंगा, अभी मैं क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन कर देता हूं, आपको दिखाता हूं। तो जैसे ही मैं क्रिएट करूंगा, आपको दिखेगा कि सॉफ्टवेयर ने दो यूज़र बना लिए हैं। ये देखिए, ये देखिए एडमिन का पासवर्ड एडमिन है एंड वन का पासवर्ड वन। इनकी राइट्स हम चेंज कर सकते हैं, इनके पासवर्ड हम चेंज कर सकते हैं। बस वन का पासवर्ड वन डाला एंड लॉग इन। ये देखिए हमारे सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है, इतना आसान और इतना बढ़िया बना है कि एक छोटा सा बच्चा भी सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर कन्फिगर कैसे करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्कूल में बच्चे दो तरीके से होते हैं, हर सेशन में कुछ पुराने बच्चे होते हैं जो ओल्ड स्टूडेंट होते हैं, और हर साल कुछ नए बच्चों का एडमिशन होता है। तो सबसे पहले हमें मास्टर में जाके कैटेगरी बनानी होती है। यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट जनरल दी हुई है, मैं यहाँ दो कैटेगरी बना लेता हूँ। ओल्ड स्टूडेंट
एंड न्यू स्टूडेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कैटेगरी बनाना। इसी के हिसाब से हम फीस डिफाइन करते हैं और फीस की फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते हैं कि किस क्लास की क्या फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि हर स्कूल में एडमिशन फ़ीस अलग होती है, एनुअल चार्जेस अलग होते हैं, हर क्लास के अलग अलग ट्यूशन फीस होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कैटेगरी है। तो जब भी सॉफ्टवेयर आप कहीं पे भी इंस्टॉल कीजिए तो सबसे पहले जाइए मास्टर के अंदर, कैटेगरी सेट कीजिए, उसके बाद आगे का कोई भी काम करना है। हम कैटेगरी सेट कर देते हैं और बच्चों का डेटा एंट्री भी करा देते हैं। मान लीजिए मैंने कैटेगरी सेट कर दी, अब उसके बाद मैंने फीस प्लान नहीं किया है, मैं डायरेक्ट स्कूल वाले से कहूँगा कि सर एक काम कीजिए, आप बच्चों का डेटा इस पे चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, हम फीस प्लान बाद में कॉन्फ़िगर कर लेंगे। अगर स्कूल वाला कहता है कि नहीं आप फीस प्लान कॉन्फ़िगर कर दिए, तो हम डायरेक्ट फीस प्लान कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कैटेगरी स्कूल के सॉफ्टवेयर में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले जब भी आप सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट कीजिए तो जाके कैटेगरी में न्यू स्टूडेंट और ओल्ड स्टूडेंट बना लीजिए। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ एक कि सेक्शन देखिए, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट चार सेक्शन दिए हुए हैं, किसी स्कूल में दो होते हैं, किसी में तीन होते हैं, हम चाहें जितने ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एक सेक्शन और ऐड कर दिया ई, अब मान लीजिए हमको डिलीट करना है, किसी स्कूल में दो ही सेक्शन है तो हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर एक बार बच्चे की एंट्री हो गई और उस सेक्शन में बच्चा चला गया, तब हम उसे इस सेक्शन को डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो मैं अपने दोस्तों से सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर जो करने जाता हूँ उनसे यही कहूँगा कि ये सारी चीज़ें एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, सॉफ्टवेयर जब भी हम इंस्टॉल करें तो सबसे पहले स्कूल वालों से पूछ के ये सारे फील्ड्स हम लोग भर दें। देन अगर क्लास और भी हो, वैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ 10th तक दिया रहता है, अगर हम चाहें 11th और 12th भी डाल सकते हैं। अब हाउस बना लेते हैं, स्कूल में हाउस भी होते हैं, रेड ब्लू ग्रीन हाउस बनाने के बाद हम कास्ट बना लेते हैं, जनरल OBC SC ST। एक बात जान लीजिए दोस्तों, ये दो ऑप्शन हाउस कास्ट, अगर हम इनको ब्लैंक भी छोड़ देते हैं, सेक्शन को ब्लैंक भी छोड़ देते हैं, NA भी कर देते हैं, मान लीजिए किसी स्कूल में सेक्शन होते हैं किसी में नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो हम ऐड कर देंगे और नहीं होते तो हम NA कर देंगे या ब्लैंक छोड़ देंगे। इसी तरह कास्ट और हाउस में भी है। इंपॉर्टेंट चीज़ कैटेगरी है, क्योंकि कैटेगरी के हिसाब से ही हम फीस की फ्रिक्वेंसी डिफाइन करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें तो सबसे पहले आके स्कूल सॉफ्टवेयर में मास्टर के अंदर कैटेगरी में आके सॉफ्टवेयर में कैटेगरी डिफाइन कर दें, न्यू स्टूडेंट और ओल्ड स्टूडेंट। और अगर स्कूल वाले किसी और तरीके से चार्ज करते हैं तो उनके हिसाब से कैटेगरी हम बना देंगे। हम लोग जब जो सॉफ्टवेयर लगाते हैं, जहां जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करते हैं, तो 90% इसी तरह करते हैं। अगर और भी स्कूल वाले कहते हैं नहीं हम ओल्ड स्टूडेंट नहीं रखते जनरल रखते हैं, तो हम यहाँ जनरल कर देंगे। जैसा स्कूल वाला कहते हैं, जैसा क्लाइंट कहता है, उस हिसाब से हम इसको बना देंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने iGenius एजुकेशन ERP सॉफ्टवेयर में सीखा क्लास कैसे बनानी है, कैटेगरी कैसे बनानी है, कास्ट कैसे डिफाइन करनी है, हाउस कैसे बनाना है और सेक्शन कैसे बनाना है। हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि फीस प्लान कैसे बनानी है, फीस हेड्स कैसे बनानी है और एडमिशन कैसे करना है। तो दोस्तों, अभी के लिए नमस्कार।